जो बाईपास बन रहा है 100% पैसा इसमें ठेकेदार का लग रहा है, सरकार का इसमें कोई फंड इन्वॉल्व नहीं है। ये हेम प्रोजेक्ट है और हेम प्रोजेक्ट का अभिप्राय यही होता है कि 40% पैसा ठेकेदार अपना लगाता है, उसी आधार पर 60% पैसा बैंक उसको फाइनेंस करता है और इसका टेंडर इस आधार पर होता है कि कौन ठेकेदार कम टैक्स वसूलेगा, कम दिन के लिए टैक्स वसूलेगा, उसी को सरकार काम अलॉट कर देता है। सपोज उदाहरण के लिए ये जिसको प्रोजेक्ट मिला है, मान लीजिए 650 करोड़ रुपया में काम उसको मिला है, तो 650 करोड़ रुपया का 40% जितना होगा 260 करोड़ रुपया, 260 करोड़ रुपया जब ठेकेदार इसमें लगा लेगा तो बाकी जो बचा हुआ पैसा है उसको बैंक फाइनेंस करेगा। और इस पैसा का वसूली ठेकेदार कैसे करेगा? टोल टैक्स के माध्यम से इसका ठेकेदार वसूली करता है। अब आज जो यह रोड बन रहा है, इस रोड को बनाने में अगर 100 करोड़ रुपया ज़्यादा लग गया तो वह पैसा भी ठेकेदार का लगेगा या पब्लिक को डरा करके धमका करके औने पौने दाम में उनका ज़मीन लूट करके अगर ठेकेदार कम पैसा में बना के चला जाता है तो उसका नाफा और बढ़ जाएगा। आज यहाँ पर जो हम लोग को जमा होने का उपस्थित होने का मकसद है, मुख्य मकसद यही है, काफ़ी सेंटिमेंटल भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भावनात्मक इशू है, ये कोई फाइनेंशियल मुद्दा नहीं है। जब ये गांव के आदमी कह रहे हैं कि हमारे 20 लाख के बाउंड्री टूट जाएगा, वो सब इशू नहीं है। इशू है कि कब्रिस्तान के ऊपर से किसी कीमत पर सड़क हम लोग नहीं जाने देंगे और कब्रिस्तान हो या शमशान हो, जहाँ तक मुझे जानकारी है, जितना हम पढ़े लिखे हैं या कानून हम जितना जानते हैं, हमें नहीं लगता है कि पूरे भारत का कोई कानून कब्रिस्तान या शमशान को क्षतिग्रस्त करके उसके ऊपर से उसका सीना चीर करके सड़क बनाने का कोई कानून या प्रावधान बना होगा। मेरा मानना है कि ऐसा कानून है ही नहीं, चूँकि यह भावनात्मक लगाव है, सेंटिमेंटल चीज़ है, सेंटिमेंट से ये जुड़ा हुआ चीज़ है। और सभी आम लोगों को पता है कि मोदी जी ने जो कानून बनाया है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी सड़क, पुल पुलिया, भवन, स्कूल किसी गांव में किसी मोहल्ला में अगर बनेगा तो वहां ग्राम सभा का अनुमति आवश्यक होता है। तो क्या आंचला गांव के कब्रिस्तान को डिमोलिश करने का, ख़त्म करने का, तोड़ने का क्या कोई ग्राम सभा स्तर पर बैठक हुआ? नहीं। अगर बैठक नहीं हुआ, इसका मतलब यह कानून का सरासर उल्लंघन है। बिना ग्राम सभा के आप कैसे कब्रिस्तान तोड़ेंगे? और इस कब्रिस्तान का बाउंड्री भी 2017 में मैं ही पास कराया था, 20 लाख रुपया में इस कब्रिस्तान का बाउंड्री बना था। उन दिनों जब सर्वे हो रहा था, मैंने उन दिनों मुख्यमंत्री रघुवर दास जी से मिल करके कब्रिस्तान के ठीक बगल से सड़क को ले जाने के लिए मैंने सर्वे भी कराया था। एक साथी कह रहे थे कि अभी भी कुछ पिलर वगैरह है, तो आखिर अगर वैकल्पिक व्यवस्था है, बगल से सड़क जा सकता है, तो अननेसेसरी इस तरीका से किसी एक कौम के सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करने का क्या औचित्य है? जब बगल से वैकल्पिक व्यवस्था है, आप उधर से बगल से सड़क क्यों नहीं ले जाते हैं? हमें जो लगता है, इसके जड़ में अगर जाएंगे तो यहाँ के जनप्रतिनिधि इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। मैंने पहले ही कहा कि अगर ज़्यादा पैसा लगता है तो ठेकेदार का और कम पैसा लगता है तो भी ठेकेदार का।